हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद सरताज और आप देख रहे हैं सरताज फर्नीचर आई के यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि अलमीरा में पेंट हैंगर कैसे लगा सकते हैं हम। ठीक है दोस्तों, पेंट हैंगर कैसे लगाया जाता है अलमीरा के अंदर वो मैं आज आपको बताऊंगा। जिससे कि जो स्लाइडर वाला पेंट हैंगर होता है इनोटेक चैनल पे चलता है, जो आज मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जो कि सबसे पहले आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। तो आइए दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों हम आ चुके हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों सबसे पहले इसको हम खोल के देखेंगे कि इसमें क्या क्या सामान निकला है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये एक फ्रेम निकला है हमारा। ठीक है, अब इसको खोल लेते हैं, देखते हैं इसमें कि क्या क्या सामान होगा इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, इसको लगाना इतना मुश्किल नहीं होता, बहुत आसान होता है। अगर इंसान को एक बार पता चल जाए तो बहुत आसान होता है इसको लगाना। सबसे पहले ये देख लेते हैं हम इस बॉक्स के अंदर क्या है। ठीक है, और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। 88% लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं, उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा। ठीक है दोस्तों, ये इसमें निकलती हैं जो पैंट हैंग करते हैं हम, जिस पर वो डंडियाँ निकली हैं इसमें। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये डंडियाँ हैं, इन पर हम पैंट हैंग करके दिखाएंगे, मतलब मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से इन पर पैंट हैंग कर सकते हैं। ये हमारा इनोटेक चैनल ढकने का पेच वगैरह जो लगाते हैं इनोटेक चैनल में, उसको ढकने के इसमें ये सिस्टम निकलता है। पत्तियां वगैरह होती हैं, मतलब कवर होता है पेज ढकने का वो उसमें। ठीक है, अब इसको देखते हैं, इसमें शायद इनोटेक चैनल है। ठीक है, दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है, आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। अगर काम से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी बात अगर आपको करनी है तो मैसेज कर सकते हैं, मैं जवाब आपको दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, एक बार को मतलब वो कॉल उठाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ भाई हैं जो कॉल करते हैं डायरेक्ट, कॉल मैं नहीं उठा पाता, उसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी होता हूँ ना मैं। जैसे ही टाइम मिलता है तो व्हाट्सएप पर अगर मैसेज होता है किसी का तो मैसेज का जवाब मैं दे देता हूँ। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये इनोटेक चैनल है हमारी, ये देखिए इस तरह से सॉफ्ट क्लोज वाली इनोटेक चैनल, मतलब इनोटेक तो सॉफ्ट क्लोज ही होती है दोस्तों। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे इसको, हम पहले देख लेते हैं कि हमें लगानी कहाँ पर है। ठीक है, आगे से हम और 2.5 या 3 इंची अंदर करके इसको बॉक्स के अंदर लगाएंगे, जितना भी अंदर आप लगाना चाहो। खैर मैं तो 3 इंची अंदर करके लगा रहा हूँ इसको, आप जितना लगाना चाहो अपनी इच्छा से आप लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये लग चुका है, मतलब कि जैसे कि मैंने 3 इंची चैनल अंदर करके लगाया ना, तो हमारा जो फ्रेम पेंट हैंगर होगा वो आधा इंची इससे आगे आता है चैनल से, तो वो हमारा हो जाएगा इससे अलमीरा से 2.5 इंची अंदर। ठीक है, मैंने यहाँ से 3 इंची अंदर लगाया तो वो 2.5 इंची आएगा पूरा। ठीक है, आधा इंची का हमारा चैनल थोड़ा सा मतलब फ्रेम जो होता है हमारा हैंगर का, वो आधा इंची चैनल से आगे आता है। एक कजी बना लेंगे, जिस तरह से मैंने कजी रख के ये चैनल खींची है, ये हमारा चैनल एक तरफ का रख चुका है, लग चुका है। जैसे कि ये पट्टी मैंने बना रखी है, मतलब किस साइज़ पे हमें लगानी है। अगर इससे दोस्तों बहुत आसान होता है, आसानी हो जाती है लगाने में। ठीक है, किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ लगाने में आसानी हो जाती है दोस्तों। और कजी से ही आप अगर अलमीरा ठोकेंगे तो अलमीरा में भी फ़र्क नहीं आएगा, कजी से ही अलमीरा ठोकनी चाहिए। ये इस तरह से हम इधर भी ठोक लेते हैं और लगा लेते हैं इनोटेक चैनल। ठीक है, ये दोस्तों कोई भी लगा सकते हैं, मतलब आसान होता है, लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों कि कुछ लोगों को पता नहीं होता कि इसको कैसे लगाते हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे भाई कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे लगाया जाता है, वरना इसमें कोई इतनी ज़्यादा वो नहीं होती, इसको बड़े आसानी से लगा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी इनोटेक चैनल लग चुकी है, अब हम इसको फ्रेम को लगा के दिखाएंगे।
इसको इस तरह से इनोटेक चैनल के ऊपर रखेंगे, ठीक है। ऊपर रखने के बाद हल्का सा पीछे को दबाएंगे तो वो उसमें एक खटका होता है, वो इसमें दब जाता है, ठीक है, चला जाता है, अटक जाता है वो इनोटेक चैनल पे। अगर इसको हल्का सा दबाएंगे ना पीछे को तो वो चला जाता है। ये देखिए दोस्तों, चल चुका है चैनल हमारा, इनोटेक चैनल हमारा चल चुका है। फ्रेम भी हम फ्रेम ये जो फ्रेम था वो चल चुका है, ठीक है दोस्तों। अब ये दोस्तों, इसमें हम ये वाली तुली लगा के दिखाएंगे, डंडी है इसमें। देखो दोस्तों, ये इसमें खांचा होता है दोनों तरफ, फ्रेम के दोनों तरफ ये वाला इसमें खांचा सा होता है बना हुआ, उसमें इनको बढ़िया आराम से इस तरह से हम रख देंगे, ठीक है। कोई दोस्तों कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती इसको लगाना एकदम। देखा आपने जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कितना सिंपल है इसको लगाना। दोस्तों अगर ऐसे ही वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर दोस्तों किसी भी वीडियो से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप नंबर मैंने लास्ट में दे दिया वीडियो के लास्ट में, और कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, इनको एक सार कर लेंगे, मतलब कि इनका गैप बराबर बराबर कर लेंगे। मैं तो खैर ऐसी मैंने ऐसे ही कर दिया, मैंने बराबर नहीं कराया गैप खैर, लेकिन आप एक सार गैप कर लेंगे बराबर, मतलब इनकी जगह बराबर बराबर कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, लग चुका है हमारा पैंट हैंगर। इन पर जो ये तुली है ना हमारी, इन पर पैंट को टांगा जाएगा, इन पर हैंग किया जाएगा पैंट। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जो कि सबसे पहले आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। और दोस्तों हम इस तरह की वीडियो YouTube पर लाते रहते हैं, हमारी हर वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको किसी भी वीडियो से किसी भी काम से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लास्ट में मैंने अपना नंबर भी दे दिया है वीडियो के लास्ट में, और आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर, ठीक है दोस्तों। आप व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं, मैं वहां भी आपको जवाब दे दूंगा, वरना आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं दोनों जगह आपको जवाब दे दूंगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।